स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल H2T में। आज के शो साइंस थर्सडे में हम बात करेंगे बायोमास पावर प्लांट के बारे में। तो आइए जानते हैं बायोमास पावर प्लांट क्या होता है। तो इसके बारे में आप बस ये समझिए, या तो लकड़ी जलाइए या खेत से जो फालतू का फूस निकलता है उसको जलाइए, उसको हम लोग ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। और उस ऑर्गेनिक मैटर को जला के थर्मल पावर प्लांट पर डालें, जैसे कोयले को जला के गर्मी निकाली जाती है उससे थर्मल पावर प्लांट चलाया जाता है, ये वैसा ही सिस्टम है। तो इसको क्यों करना चाहेंगे? आप हर जगह सुनते होंगे कि जलाना चीज़ों को अच्छा नहीं है, तो इसके बारे में इतना इंटरेस्ट क्यों है? पहला कि ये कार्बन न्यूट्रल हो सकता है, मतलब है कार्बन, मैथमेटिकली ये कार्बन न्यूट्रल ही है, लेकिन आगे मैं इसके बारे में बात करूंगा। बस आप ये समझिए कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज करेंगे लकड़ी को जला के जंगल, उतना नया लकड़ी बनाने में उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड को वापस खींच लेगा एटमोसफेयर तक। तो सब मिला के आपका ये एक साइकिल बन जाता है, जिसमें सौर्य की ऊर्जा से, मतलब सोलर पावर से आपका प्लांट ग्रो किया, प्लांट एटमोसफेयर से कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, लकड़ी बना दिया, आप लकड़ी जला दिए, लकड़ी जलने के बाद CO2 एटमोसफेयर में डाल दिया, आप जो नया प्लांट लगाया ताकि अगले साल का, मतलब कहीं आपका लकड़ी का खपत निकले, लकड़ी का फसल बनाया जाता है उसके हिसाब से देखिए, तो ये दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड सोख ले। तो बेसिकली आप सोलर पे चल रहे हैं और आप डायरेक्ट सोलर सेल यूज़ करने के जगह पे आप प्लांट को यूज़ कर रहे हैं। आप बायोलॉजी के रास्ते से सोलर बायोलॉजी को आप मिक्स करके आप एक कार्बन न्यूट्रल साइकिल बना रहे हैं। ना ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहा है, ना ही ये घटा रहा है, ये बस कुछ नहीं है, मतलब न्यूट्रल है। इसी के लिए इसके पीछे सब लोग पागल हैं। तो इसका इंटरेस्ट इतना क्यों आ गया रिसेंटली, वो इसलिए है कि ये बहुत सिंपल चीज़ है। मतलब कोल पावर प्लांट और इसके पावर प्लांट में कोई अंतर नहीं होता है। मतलब आप एक, मान लीजिए एक छोटा पुराना कोल पावर प्लांट है, उसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट कीजिए आप, थोड़ा सा उसको थोड़ा रिफाइन कीजिए, थोड़ा पॉलिश कीजिए और टडा, आपका ये बन जाएगा। तो ये बेसिकली कोल ही है। कोल का बस हमारे पास, आप ये समझिए कि पृथ्वी हर साल थोड़ा सा कोल बनाता है। अब वो हर साल थोड़ा सा ही बनाता है, मतलब कहिए कुछ हज़ार टन बनाता है। अब कुछ हज़ार टन हम लोग तो 15-16 मिनट में खा जा रहा है, मतलब एक भारत देश का अगर आप कोयले का कंजम्पशन देखें तो 15-16 टन तो कुछ पावर प्लांट पर घंटे खाते हैं, और कैसे कई 100 पावर प्लांट हैं, और पूरा चाइना, इंडिया, USA ये सब मिला लीजिए तो हिसाब तो ये बनता है कि कई हज़ार टन हम लोग पर मिनट खाए जा रहे हैं। तो धरती के पास इतना कैसा है जब अगर धरती इतना थोड़ा सा ही बनाता है? बात है कि धरती कई लाख करोड़ साल से बना रहा है और उसको जमा कर रहा है। आप ये समझिए ये FD था जिसपे वो धीरे धीरे डाले जा रहे थे कई लाख साल का है। तो अब हम लोग जो बड़ा बड़ा निकाल रहे तो लग रहा कि अरे इतना बड़ा फिक्स डिपॉजिट कैसे हो गया? वो कई लाख करोड़ साल का चीज़ है जिसको हम लोग अब निकाल रहे हैं। हम निकाल इतना स्पीड से रहे हैं कि ये अभी ख़त्म नहीं होने वाला है, लेकिन पृथ्वी आप जला देंगे अगर वो बेवकूफ़ी की है। तो बेसिकली कोल ही कर रहे हैं, लेकिन कोल को कम स्टेप कर दे, वो पृथ्वी के अंदर जाके उसको ज़बरदस्ती का कंप्रेस करने से कुछ फ़ायदे हैं कि जैसे कोल बहुत अच्छे से जलता है कंपेयर टू लकड़ी। मतलब लकड़ी और कोयला जलाने में कोयला में ही ज़्यादा गर्मी लगे क्योंकि कोयला रिफाइंड है। मतलब समझिए लकड़ी का रिफाइंड स्टेज को कोयला कहा जाता है, जो कि आप लोग ट्राई करते होंगे, जिसको कहते हैं ना लकड़ी का कोयला है, चारकोल है, वो वही है, लकड़ी का ही कोयला है, बस रिफाइंड उतना नहीं है। धरती उसको उतने साल में रिफाइन भी करता गया, जितना हीट और प्रेशर करता गया बहुत चीज़ से निकल गया, जैसे कि उसमें जो पानी फंसा हुआ था वो निकल गया, जो उसमें अदर इम्प्योरिटीज थी वो निकल गया, तो कोयला बहुत अच्छा हो गया। तो हम लोग वही कर रहे हैं, बस लंबा स्टेप को हटा दे रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हर चीज़ के बारे में आपको सुना कि सोलर ऊर्जा के बारे में बनाना, जिसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो हर चीज़ तो है सोलर के लिए सब चीज़, लेकिन आपको कई 100 हेक्टेयर का ज़मीन खरीदना पड़ेगा उसके लिए। ये सब पुराने जो आप पहले से बना चुके हैं उसी को यूज़ चेंज करके कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट इसलिए है हम लोग का। तो ये काम कैसे करता है? सबसे पहला चीज़ ये जलाता है, और तो आपको कुछ सोचना नहीं है, जलाता है। लेकिन जनरली दो मेन स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है लकड़ी को सीधे जला देना, जो कि मतलब बड़े बड़े वुड को लिया जाएगा और उसको चिपर्स में बदल दिया जाएगा, छोटे छोटे ऐसे चिप्स में, और इसको जलाया जाएगा। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है, इसको जनरली गैस इंजन में डाला जाता है, मतलब वुड गैस बनाई जाती है। वुड गैस ऐसे ही समझिए कि चारकोल जिस टाइम बनाते हैं उस टाइम वुड से आपको ये गैस निकलती है, वो गैस जो है उसमें मीथेन होता है थोड़ा सा, उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वो सिंथ गैस है बेसिकली, एक प्योर चीज़ नहीं निकल रहा है, बहुत सी और मिक्स होती है, उसको जला के आप बिजली निकाल सकते हैं। दोनों के अपने फायदे नुकसान है। मतलब एक गैस वाले में पार्टिकुलेट इमिशन, मतलब पार्टिकल बहुत कम निकलते हैं, इसमें इमिशंस अलग टाइप के इमिशंस कम होते हैं, तो मतलब दोनों का बैलेंस करना होता है, ऐसा नहीं कि एक बहुत बेटर है या दूसरा है। आप चुनो कि मतलब आप क्या हैंडल कर सकते हो और आपको किस तरह का पावर चाहिए, तो आप चुन लो।
फिर उसके बाद आता है कि इनका नुकसान क्या है। तो सबसे पहला नुकसान कि ये बहुत स्मॉल स्केल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि धरती ने कई लाख करोड़ साल का डिपॉजिट डाला, उससे हम लोग निकाल रहे हैं तो बहुत ताकत निकल रहा है, लेकिन अगर हम लोग पेड़ मतलब समझिए कई सौ हेक्टेयर में भी जंगल रोप रहे हैं तो पर साल जो लकड़ी का खपत निकल रहा है, मतलब लकड़ी के जो फसल हो रहा है जिसको काट काट के हम लोग बना रहे हैं, वो बहुत नहीं है। और ऐसा आप चाहोगे कि अगले साल तक चलता रहे प्लांट, तो प्लांट का पावर आउटपुट जो है बहुत कम आता है। मतलब कुछ कुछ पावर प्लांट इतने कम है कि 30-40 मेगावाट के, जबकि कोल पावर प्लांट तो स्टार्ट होता है 300-400 मेगावाट से, कई हज़ार मेगावाट तक चला जाता है। तो स्केल के मामले में मतलब कितना बड़ा साइज़ है वो बहुत छोटा है। आप ये समझिए आपको मंथली इनकम में अब चल रहा है, वो ये नहीं है कि एफडी आपके पुस्तैनी एफडी है, कई लाख साल से उसका उस पर इंटरेस्ट हो रहा है, वैसा नहीं है। तो इसलिए समझिए इसका स्केल बहुत छोटा है, मतलब कितनी ऊर्जा निकाली जा सकती है वो बहुत छोटा है। दूसरा, लकड़ी जलाना खतरनाक है। आपको जैसे मैंने बताया कि जब धरती उसके अंदर उस लकड़ी को जब गर्मी से दबा रहा था, गर्मी और जो प्रेशर था, दबाव जो था, इससे काफ़ी रिफाइन हो गया। तो अगर आप कोयला जलाते हैं उससे जो इमिशन निकला, मतलब उससे जो प्रदूषण हो रहा है वो ठीक ठाक है। लकड़ी जला रहे हैं, लकड़ी से बहुत ज़्यादा प्रदूषण निकलता है। मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है और इसमें साइंटिस्ट लोग काफ़ी अच्छे से, एक छोटा सा ही लंबा लिस्ट है, आप लिस्ट पढ़ सकते हैं बहुत आराम से, वो पढ़िए आपको समझ आ जाए। लकड़ी में बहुत सारा प्रदूषण होता है, मतलब लकड़ी रिफाइंड नहीं है, फिल्टर्ड नहीं है, बहुत प्रदूषण होता है। इसीलिए आप लकड़ी के चूल्हे में जो लोग काम करते हैं उनका आँख खराब होता है, लंग्स खराब हो जाता है, जबकि गैस पे कुछ ऐसा क्यों नहीं होता। वही है कि बहुत गैस बहुत रिफाइंड है, प्योर है, मतलब फिल्टर हो चुका है। लकड़ी फिल्टर ना होने के चलते बहुत खतरनाक इमिशन देता है, मतलब सिगरेट जलाने से ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो इसलिए कि इससे जो धुआं निकल रहा है, जो एग्जॉस्ट निकल रहा है, जैसे आप ये देख रहे हैं कि एग्जॉस्ट निकल रहा है, उसको आपको फिल्टर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस आप वो एग्जॉस्ट दे दिए और उसमें में छोड़ रहे हैं, वैसा नहीं। आपको तो वैसा कोल पावर प्लांट के साथ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कोल पावर प्लांट का रिलेटिवली बहुत कम होता है, इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके बाद इसको एक गैस ट्रीटमेंट डालना पड़ता है, जिसको इस तरह के ट्रीटमेंट दिखते हैं, जिसको कहा जाता है फ्लू गैस ट्रीटमेंट। ये काफ़ी जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं और बिना इसके ये जहरीला हवा कर देगा, तो इसलिए इसको ऐड करना बहुत खर्चीला हो जाता है। और ये समझिए कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कार्बन न्यूट्रल है, मतलब मैथमेटिकली ये कार्बन न्यूट्रल है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लकड़ी काट रहे हैं, आप उसमें खर्च कर रहे हैं एनर्जी, आप जो भी उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जंगल के बगल में ही तो आप पावर प्लांट नहीं बनाएंगे। पावर प्लांट जहां बनाएंगे, मतलब जहां पे आपका इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, उतने 100 हेक्टेयर का जहां पे आप जमीन मतलब फसल उगा रहे हैं लकड़ी का, उसको काटना, उसको मेंटेन करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में बनाना, मतलब काफ़ी एनर्जी डाल रहे हो कि वो एनर्जी आप निकाल सको। तो सिर्फ 80%, मतलब एक रफ एवरेज अगर अभी बताया जाए तो 80% है। 80% का मतलब ये समझिए कि अगर कोयला जलाते तो एक मेगावाट के लिए एक टन कार्बन डाइऑक्साइड दे देता, ये एक मेगावाट के लिए बेयरली आपको 200 किलोग्राम का आपको कार्बन डाइऑक्साइड देगा, मतलब जो एटमॉस्फेयर में ऐड हो गया देगा तो ये एक मेगावाट है, लेकिन प्लांट वापस खींच लेगा ना। तो साइकिल है ये, अभी भी साइकिल है, लेकिन प्योर नहीं है, मतलब एकदम 100% रिसाइकिल नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ऐड होते जा रहा है। तो ये इसके बारे में आपको ध्यान देना होगा कि 100% नहीं है। तो भविष्य में क्या होगा इसके बारे में, मैं इसके बारे में काफ़ी एक सोच रखता हूँ कि इसे भविष्य में ग्रिड में जोड़ दिया जाएगा एज ए बैकअप। जैसे जैसे हम लोग सौर ऊर्जा से बनाएंगे, सोलर एनर्जी के बारे में मैंने वीडियो बनाया है कि सोलर का प्राइस पैरिटी होने वाला है, मतलब सौर से बिजली बनाना सस्ता पड़ेगा कोयला के कंपेयर में। तो उस टाइम जैसे ही ये होगा, सबके सब लोग सोलर से बिजली बनाएंगे, इसलिए नहीं किसी को पर्यावरण से कोई लेना देना, इसलिए बनाएंगे क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, मतलब प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट मैटर्स, मतलब आपको पैसा से लोग बोलते हैं तो पैसा सोलर से आएगा, लेकिन आप रात को क्या करोगे। आपको मैंने ग्रिड स्टोरेज के बारे में बनाया हुआ है वीडियो, हिसाब ये बनता है कि ग्रिड स्टोरेज भी सिर्फ कुछ मतलब बहुत हुआ तो कुछ गीगावाट ही आप स्टोर कर सकते हैं, कई 100 गीगावाट नहीं स्टोर कर सकते। तो इसलिए जैसे मान लीजिए एक छोटा शहर है आपका, कोई भी छोटा शहर है, वहाँ पे आप आराम से ये कर सकते हैं, सोलर है, विंड है, ये सब है, और ये कोल, ये मतलब कोल पावर प्लांट की जगह बैकअप के लिए आप इसको रख सकते हैं, बैकअप के लिए कि ये आराम से बैकअप रहेगा। और इसका आप अपना प्लांट करते हो, मान लीजिए किसी दिन बहुत दिन से बारिश हो रहा है, हवा खूब नहीं चल रहा है, आराम से आप इसको जला के अपना मेंटेन करते रहिए। तो ये बहुत अच्छा ऐड ऑन हो सकता है, मतलब इस पे मेन नहीं लोड चलेगा, लेकिन ये ऐड किया जा सकता है कि हाँ भाई एक तो हमने रख दिया कि मान लीजिए 2-3 दिन से मतलब बारिश बहुत हो रहा है, धूप नहीं निकल रहा है और हवा नहीं चल रहा है, तो सोलर और विंड आपका नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है आप उस दरमियान इसको जलाइए।
दूसरा इसके साथ प्लास्टिक जलाया जा सकता है। मैंने प्लास्टिक पे ये वीडियो बनाया हुआ है, तो हिसाब मैं आपको सीधे ही बता रहा हूँ कि प्लास्टिक का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है हमारे पास। जो भी चीज़ आप यूज़ कीजिएगा वो प्लास्टिक से ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है। जैसे कि कपड़े का बैग, एक कपड़े का बैग बनाने के लिए कितना मेहनत किया जाता है, उसका कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन, कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया उसको बनाने में, वो बहुत ज़्यादा है। एक प्लास्टिक का बैग 1 ग्राम देता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कई लाख करोड़ बनाए जाते हैं। एक झोला 12-13 किलो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। अब वो झोला आप उतना लंबा यूज़ भी नहीं कर सकते, मतलब आप प्लास्टिक बैग, कई 100 प्लास्टिक बैग ही आपको ज़िंदगी भर के लिए चाहिए, लेकिन एक झोला ज़िंदगी भर नहीं चलेगा, टूटेगा फटेगा। और प्लास्टिक बॉटल की जगह अगर स्टील का बॉटल यूज़ करें, स्टील का कार्बन फुटप्रिंट के बारे में तो सोचना ही नहीं है। तो सब मिला के कोई अल्टरनेट ना होने के चलते से प्लास्टिक ही यूज़ करना सबसे बेस्ट है। लेकिन उसका हम लोग को उसको निपटा देना है, अच्छे से निपटा, वहाँ पे हम लोग बुड़बकगिरी कर दिए, वहाँ निपटाना नहीं किए अच्छे से। तो निपटाने का प्लास्टिक को एक ही तरीका, प्लास्टिक को जला देना। लेकिन आप बोलोगे जलाने से प्रदूषण नहीं होगा, बात सही है, वो तब होगा अगर वो कम टेम्परेचर पर जल रहा है, यानी कि 800 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे जल रहा है तो वो प्रदूषण देगा। अगर 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जल रहा है तब आपको कोई टेंशन नहीं लेना, तब उसका जो इमिशन होगा, मतलब जो उसे धुआं निकलेगा, उसमें कोई हार्मफुल टॉक्सिन नहीं होगा। लेकिन यही उसका लिमिट है, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, जो कि काफ़ी गर्म, मतलब समझिए एल्यूमिनियम आपका पिघल जाएगा उतने पे। तो लेकिन उस प्लास्टिक को भी ये फ्लू ग्रास ट्रीटमेंट में डाला जाता है, कि हर चीज़ एकदम 100% नहीं होगा, तो फ्लू ग्रास ट्रीटमेंट आपको इसके लिए भी चाहिए, प्लास्टिक के लिए भी चाहिए, तो 2-in-1 कर दीजिए। ये मेरी इच्छा है। और मैंने आपको बताया ये छोटे छोटे कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि ये बंदे ने अभी एक ठुक किया है, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप देखना देख सकते हैं। इसने क्या किया कि छोटे से शहर में, पहाड़ी इलाका में रह रहा था इंडिया में ही, और इन्होंने मतलब देखा कि पाइन ट्रेस है, बहुत बढ़िया है, वो इलाका में बिजली नहीं आता, मतलब ग्रिड से नहीं जुड़ा हुआ, तो लोग सोलर पर चल रहे थे, तो ठीक है सब चीज़ ठीक है, लेकिन वहाँ वाइल्ड फायर बहुत होता है, मतलब जंगली आग जिसको कहते हैं, वो खूब लगता था। तो इनका एक आइडिया है कि जो ये सब पाइन ट्रीज के जो लीफ निकलते थे उसको कलेक्ट करके उसको जलाने लगे और उससे बिजली निकाले। तो बहुत बिजली नहीं निकल रहा है, 100 किलोवाट ही निकल रहा है, लेकिन इससे ये छोटे शहर को, ये मतलब छोटा शहर बोलना गलत बात है, मतलब छोटी कम्युनिटी को संभाल ले रहे हैं। तो वीडियो आप देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग है। तो छोटे कम्युनिटी के लिए इस तरह का सिस्टम काफ़ी अच्छा है। और फिर आप ये समझिए कि हम लोग का मैनेजमेंट इसका सुधारना होगा। अभी का मैनेजमेंट जो ये है कि जो पेड़ को काट काट के हम लोग ये जला रहे हैं, तो बिना सोचे समझे ऐसा कर दे रहे हैं कि मतलब ठीक है बस काट दे रहे हैं। लेकिन आपको ये भी तो सोचना पड़ेगा कि क्या वो ज़मीन उतने साल तक उपजाऊ दे सके, मतलब उपज दे सके। आप बिना सोचे समझे काटने उटने लगेंगे तो वो ज़मीन बंजर हो जाएगी, और बंजर हो गया तो आपका पावर प्लांट कैसे चलेगा। इसलिए थोड़ा सा मैनेजमेंट पर हम लोग काफ़ी सुधार देना है। मैनेजमेंट अभी परफेक्ट नहीं हुआ है, काफ़ी मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। और आप देखिए लकड़ी के मिल जो होते हैं उससे तो सॉ डस्ट निकलता ही है, इधर उधर फेंका जाता है, या इधर उधर जबरदस्ती का इसका किसी चीज़ का इस्तेमाल करने की जगह पे आप कोल पावर प्लांट पे, मतलब बायोमास पावर प्लांट पे डाल सकते हैं। तो और लकड़ी का खूब सारा कचरा निकलता है, खूब सारा, कोई भी देश हो, मतलब अफ्रीका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, खूब कचरा निकलता है। वो सब कचरा को कुछ कर नहीं सकते, लकड़ी इतनी छोटी है कि उसका कुछ कर नहीं सकते। ठोंक ठोंक के जबरदस्ती का ज़मीन में गाड़ना इधर उधर करने से अच्छा है कि आप उससे बिजली ही निकाल लीजिए। तो भविष्य में ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, मतलब सोलर के आगे पीछे भी नहीं आएगा, लेकिन एक छोटा सा समझिए एक एक्स्ट्रा एड ऑन बन जाएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन बायोमास पावर प्लांट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप कमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे। और मैं कहूँगा कि अगर आप सही में यहाँ तक देख लिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए ना, घंटी मत बजाइए, आपको कोई घंटी से कोई लेना नहीं, लेकिन आप सब्सक्राइब तो कर लीजिए। और आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।